यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। सर, गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है डिले हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या जानकारी मिली? मोतीगंज से झिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं, महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं, जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं, राहत बचाव का कार्य जारी है। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहां राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के आहत होने की सूचना? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कोई ट्रेनें बाधित हैं अभी इसके लिए? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डाइवर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी।